ओम शांति। एक कहानी भी है ना, जिन खा गया जिन खा गया, बाबा भी कहते तुम याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि को बाबा की तरफ से हटाकर अपनी तरफ लगा लेगी। अब आप कोशिश कर रहे हो हमारी बुद्धि बाबा की तरफ लगे, समर्थ संकल्प आए तो व्यर्थ चलने लगेगा, तो माना माया ने कच्चा खा लिया ना। एक ही पॉइंट पर आप अच्छा भी सोच सकते हो और उसी पॉइंट पर आप नेगेटिव भी सोच सकते हो, व्यर्थ भी सोच सकते हो। अब बात आती है कि आपकी अपनी स्थिति की, कि उस पॉइंट पर आप सोचते कैसे हो। आपके साथ हो तो बाप समान सोचोगे, अगर बाप के साथ नहीं हो तो माया की तरह सोचोगे। अब ये जो सोच है जिसके आधार पर आपने एक्ट करनी है, यही रिजल्ट है कि आप माया से बचे या माया ने कच्चा खा लिया। पता सबको चल जाता है कि ये वाली जो मेरी एक्ट है वो सही है या नहीं है। सबको पता है, इतने समय से ज्ञान सुन रहा हूं। ओके, ओम शांति।